मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा सिवनी मालवा स्वास्थ्य समुदाय केंद्र को बहुत ही जल्दी 60 बिस्तरों का नया भवन सौगात में मिलने वाला है। यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर लगता है कि यदि इतना बड़ा भवन मिल गया तो यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वर्तमान में जिला होशंगाबाद सिवनी मालवा ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है और वर्तमान में यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 6 डॉक्टरों की आवश्यकता है, पर मात्र 2 डॉक्टर ही है। कभी बवरिया भाव से डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है, जब दूसरी जगह से डॉक्टर सिवनी मालवा जाते हैं तो यहाँ की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। अस्पताल का नजारा देखने में ऐसा लगता है कि कई मरीज बिना इलाज के लौट जाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं और ना ही पर्याप्त स्टाफ है। उसके बाद 60 बिस्तर का अस्पताल होने के बाद क्या स्थिति होगी, इसका भगवान ही मालिक है। जब पेशेंट इलाज के लिए आता है तो उसे प्राथमिक उपचार देकर तुरंत होशंगाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। अब देखना यह होगा कि 60 बिस्तर का अस्पताल बन जाने के बाद व्यवस्थाएं कैसे रहती हैं। इस विषय में BMO क्रांति भास्कर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार जिला मुख्यालय में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए आवेदन दे रखा है, पर हमारी मांग जस के तस बनी हुई है। बिल्कुल सही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में 60 बिस्तर है, नया भवन हमें जल्दी ही मिलने वाला है और उसकी स्थिति को देखते हुए भवन की तो ज़रूरत थी, क्योंकि अपना पूरे होशंगाबाद संभाग में सबसे बड़ा ब्लॉक है सिवनी मालवा और डॉक्टरों को देखें तो सिवनी मालवा में मात्र 2 ही चिकित्सक पदस्थ थे और एज ए BMO मुझे बार बार मीटिंग्स में जाना पड़ता है और कई तरह के जो अपने प्रोग्राम्स रहते हैं सरकारी जो योजनाएं चलती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए हमें आए दिन मीटिंग्स लेना पड़ती हैं और मीटिंग्स में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 डॉक्टर की पदस्थापना होना ही चाहिए। आपने जिला मुख्यालय में इस बात की सूचना दी? जी, मेरे द्वारा जिला मुख्यालय में इस चीज़ की सूचना दे दी गई है। दूसरी बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए, उनमें से अभी तक एकमात्र मैं ही MS जनरल सर्जरी हूँ, इसके बाद में 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत है और 4। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।